रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी पब्लिशर। दिस इज़ अ समर पैक ऑफ क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ जर्नल असेसमेंट फ्रॉम पेज नंबर 74 टू 79। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ जर्नल असेसमेंट। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट द फैक्ट फाइल ऑन पाकिस्तान बाय एडिंग द नेम्स ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल सिटीज। ओके, यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोविंसेस हैं, आपने इनकी कैपिटल सिटीज़ बताने हैं। लाइक पंजाब है तो पंजाब का कैपिटल सिटी लाहौर, सिंध का कैपिटल सिटी कराची, बलोचिस्तान का कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी है पिशावर। द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल पीपल ऑफ योर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, द प्रेजिडेंट आरिफ अलवी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर प्रोविंस हमजा शहबाज शरीफ। अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब का बताइए। द गवर्नर ऑफ योर प्रोविंस, आपके प्रोविंस का गवर्नर कौन है? मोहम्मद बालिगुर रहमान। द फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर राना तनवीर, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब मुराद रास। नेक्स्ट है जी, आपके पास प्रोजेक्ट है एक कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द डैम्स इन पाकिस्तान एंड पेस्ट इट, डू राइट वेयर दे आर लोकेटेड। ओके, आपने यहाँ पर कुछ डैम्स की पिक्चर्स लेनी है, आपको अवेलेबल मार्केट्स में होती हैं, आपको इजीली अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी। आपने कुछ यहाँ पर डैम्स की पिक्चर्स लगानी है और आपने यहाँ पर डैम्स के नेम राइट करने हैं। नेम के साथ ये राइट करना है कि डैम कहाँ कहाँ पर है। लाइक यहाँ पर आपने नेम्स राइट करने, मंगला डैम, तरबेला डैम, रावल डैम, वाट्सक डैम, मिरानी डैम, जावा डैम। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसीलिए आप अपने ऑन पे करेंगे। जैसे मंगला डैम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, मंगला डैम किस शहर में है, किस सिटी में, आपने वहाँ पर राइट करना है इसके साथ। यहाँ पर आप तरबेला अगर राइट करेंगे तो वो किस सिटी में है, रावल डैम राइट करेंगे वो किस सिटी में, आपने इसके साथ साथ ये भी राइट करना है। द नेक्स्ट वन इज़ लेबल द डायग्राम, आपने इस डायग्राम को लेबल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब राइट है। आप यहाँ पर सबसे ऊपर राइट करेंगे नॉर्थ साउथ, यहाँ पर राइट करेंगे ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ पर आप राइट करेंगे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर राइट करेंगे नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर राइट करेंगे साउथ वेस्ट और यहाँ पर साउथ ईस्ट। द नेक्स्ट इज़ ओके, ये आपके पास है एक अर्थ ग्लोब है, पोल्स हैं आपके पास, ठीक है। आपने यहाँ पर राइट करना है नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ पोल, और यहाँ पर आप राइट करेंगे वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ और बिट प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ ईच लैंड फॉर्म्स एंड कलर एरिया। आपने यहाँ पर रिवर की पिक्चर ड्रॉ करें या आप इसे पेस्ट करें, इट्स योर ऑन। यहाँ पर लेक, जो झील होती है, लेक होती है ब्यूटीफुल सी, आपने यहाँ पर अच्छे से बनानी है। अगर आप नहीं बना सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। नेक्स्ट वैली, जो दोनों माउंटेन्स के सेंटर में जगह होती है उसे वैली कहते हैं, आपने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर प्लेन, जो बिल्कुल प्लेन जगह होती है, आपने वो यहाँ पर बनाना है या पेस्ट कर दें कोई भी पिक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 5 रीज़न वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एंड कलर द पिक्चर। ओके, वी विल राइट नाउ। यहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? लाइक फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। सबसे अच्छी बात, जहाँ पर ट्रीज़ ज़्यादा होंगे वहाँ पे हवा जो है आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन वाली होगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रेश एयर होगी वहाँ पर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फिर आप राइट कर सकते हैं फॉरेस्ट क्लीन द एयर, फॉरेस्ट हेल्प फाइट एरोजन, फॉरेस्ट कैन प्रोवाइड मेडिसन्स, फॉरेस्ट हेल्प पीपल कूल टू, फॉरेस्ट गिव अस लाइक शेडो, ठीक है। आप ये फॉरेस्ट गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है। आप ये सब यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द डायग्राम एंड कलर इट। ये आपके पास वाटर साइकिल है, ठीक है, वाटर साइकिल है। आप यहाँ ये कैसे राइट करेंगे, लाइक सबसे पहले यहाँ पर है जी कलेक्शन, आप यहाँ राइट करेंगे, ये आपके पास कलेक्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ राइट करेंगे कलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर कलेक्शन के बाद इवेपोरेशन,
ये आपके पास इवेपोरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर इवेपोरेशन राइट करेंगे, पानी इवेपोरेट होके सन की वजह से इवेपोरेट होता है। देन ये क्या होता है, यहाँ पर कंडेंसेशन, कंडेंस होता है, ये कंडेंसेशन की स्पेलिंग है, आपने यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है जी प्रेसिपिटेशन, जब रेनिंग होती है तो प्रेसिपिटेशन होती है, ये प्रेसिपिटेशन के स्पेलिंग है, आपने यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेज योर व्यू ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, आप पीसफुल वर्ल्ड के बारे में बताएं। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे मतलब पीसफुल वर्ल्ड, आप अपने वर्ल्ड को कैसे पीसफुल बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, पुरसकून कैसे बना सकते हो। तो पीस एंड हार्मनी प्रमोट यूनिटी अमंग पीपल, आर ड्यूटी टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, हमारी ड्यूटी है कि हम मेंटेन करें पीस एंड हार्मनी को, इम्पोर्टेंस टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, इम्पोर्टेंट टू गेट जस्टिस, ठीक है, एंड गिव जस्टिस टू एवरी वन, इम्पोर्टेंस टू बी इक्वल द माइनॉरिटी लेवल पीपल एंड मेजॉरिटी लेवल पीपल, ठीक है, हम इन दोनों को इक्वल करें, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करें, इनकी इक्वलिटी, इनको जस्टिस दें, ये आप सब कुछ यहाँ पर राइट करेंगे। माई डियर स्टूडेंट्स, योर वर्क इज़ कम्प्लीट नाउ, होप यू विल अंडरस्टैंड, अल्लाह हाफिज़।